तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम हमारा है लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे कैसे हम किसी भी पेंसिल आर्ट या रास्टर इमेज को वेक्टराइज फॉर्म में ला सकते हैं, किसी भी कार्टून इमेज के फॉर्म में बना सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, पेज क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम कंट्रोल शिफ्ट पी करके कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। ये मैंने गूगल से कुछ डाउनलोड किया है, चलिए ये वाली सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये ओपन कर लेते हैं हम, और इसे अब हमने लेना है, एक ब्रश बनाना है, जिसके लिए हम सर्कल टूल लेंगे, एलिप्स टूल लेके इसे काफ़ी शार्प सा सर्कल बनाना है। और इसमें हमने ये शार्प सा सर्कल बना के इसमें ब्लैक कलर फिल कर देना है ऐसे, और इधर डबल क्लिक करके ब्लैक कलर ले लेना है। उसके बाद न्यू ब्रश यहाँ से सिलेक्ट करना है, ये यहाँ से हमने ब्रश कर लिया, और न्यू ब्रश लेके आर्ट ब्रश पर क्लिक करके टिंट्स कर देना है इसे, और ओके। अब हमने इसे डिलीट कर देना है और पेन टूल लेके ट्रेसिंग स्टार्ट कर दी है, पेन टूल से ट्रेसिंग स्टार्ट कर दी है। इधर से ये मैं फिल अपना ऑफ कर दूँ, और ये बस ये अब हम ट्रेसिंग स्टार्ट कर रहे हैं इसकी। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत इजी है, कोई मसला नहीं है। सीधा आपने ट्रेस करना है और पूरा आपने एक एक चीज़ को ट्रेस करके उस तो ट्रेसिंग आप इस तरह कर सकते हैं कि एक बार आप पहले एक हेड ट्रेस कर लें पूरा, फिर आप लेग्स ट्रेस कर लें, फिर आईज, फिर नोज, मतलब एक एक आपने पूरे सीक्वेंस वाइज में चलना है, बीच में मिक्स नहीं करना, ताकि ये ना हो कि बाद में समझना। और ये अब जैसे कि ट्रेस हो रहा है सारा, इसके बाद ट्रेसिंग के बाद हमने कलरिंग की तरफ आना है, वो एंड का हमारा है, इसे अभी हमने नहीं देखना, पहले हमने सिर्फ ट्रेसिंग पर गौर करना है। पेन टूल इस्तेमाल करते हुए शुरू में तो थोड़ी सी होती है, मुश्किल होती है, लेकिन वक्त के साथ आपको आ जाता है, तो उसे जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए गुड है। और देख लें कितना जितना भी मुश्किल है देख लें आप, जैसे कि मैं बना रहा हूँ काफ़ी सही तरीके से बन रहा है, और बस आपने सीधा सीधा ट्रेस करना है, बाकी कोई वाई फाई नहीं लगाना इसमें। अच्छा इसमें आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब भी मार्कर से करते हैं, पेन टूल से करते हैं, तो कभी कभार ये काफ़ी मोटी लाइन आ जाती है, तो उसको आपने जैसे ये अभी ये किया मोटी लाइन आई, तो ये सिलेक्शन टूल लेके सिलेक्ट करके आपने यहाँ से मार्कर से उसके नीचे वाले एरो को करेंगे तो छोटी हो जाएगी, पतली हो जाएगी लेयर। It's a new life for me, yeah, it's a new life.
तो अब जैसे कि हमारी ट्रेसिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, तो अब आप इसके बाद कलरिंग का आएगा मरहला, तो उसमें हमने कलरिंग करनी है। देख देखें, ये हमारी हो गई है मुकम्मल, ड्राइंग पूरी हो गई है। अब हम इसे जैसे ही हाइड करते हैं तो ड्राइंग पूरी हो गई है। अब हमने इस पूरे को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल जी कर देना है, फिर पूरे को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी करना है। उसके बाद आप जाएंगे ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपैंड अपेयरेंस को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एक्सपैंड अपेयरेंस को क्लिक करेंगे, यहाँ से जाके आपने लाइव पेंट टूल को लेना है और ये आपने कलर कर देना है। उसके बाद आपने फिर से जाना है और पेंट टूल्स जाके कौन सा कलर आपने सेलेक्ट करना है वो करें। और जी, तो हमारी कलरिंग में मुकम्मल हो गई और ये हमारी पूरी पिक्चर तैयार हो गई है। अब हमारी इसकी बैक साइड पे जो रास्टर इमेज थी जो हमने बनाई थी आर्ट वर्क पेंसिल वर्क से, वो हमारी इसकी बैक साइड पे है। तो अब ये आपको दिखाता हूँ मैं, ये है वो पिक्चर और ये है जो हमने वेक्टर इमेज बनाया। वेक्टर इमेज का ये फ़ायदा है कि आप इसे किसी भी साइज़ में ले जा सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा पूरा वेक्टर इमेज फॉर्म में आ गया, और इसे हमने फिर कार्टून की शक्ल में दे दिया। अब आप इसे 2D कार्टून्स वगैरह इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होपफुल हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।